आज बड़ा दुख हुआ मुझे कि एक महिला की आप अपने ऑफिस में आके पिटाई करते हैं, उनको झापड़ मारते हैं, तो बड़ा दर्दनाक घटना है। देखिए, ये दिल्ली पुलिस का मामला है और दिल्ली पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस को त्वरित जो भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। हमारी मांग है, गृह मंत्रालय से मांग है, पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली से मांग है, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जब तमाम जो कानून को देखते हैं, जो कानूनविद हैं या जिनकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं की सुरक्षा में हम लोग देखेंगे, उन लोगों को संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भले वो अरविंद केजरीवाल के पी हैं, भले कोई भी है, चूँकि यह हक किसी को नहीं बनता कि किसी महिला का आप अपमान करें अपने ऑफिस में बुला के। दोस्तों, जय भीम, नमोबुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ दिल्ली में और दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना जो है वो घटित हुई है। अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और सुरक्षा उनकी खुद की पार्टी की महिलाओं की नहीं हो रही है। आज मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है कि स्वाति जो हैं, उनके स्वाति मालीवाल जो हैं, वो उनके थप्पड़ मार दिया गया और अरविंद केजरीवाल जी के जो पीए हैं उन्होंने ही थप्पड़ मारा है, तो महिला कहाँ सुरक्षित है। मेरे साथ वकार चौधरी जी हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा पूर्वी दिल्ली के। सर, आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं और केजरीवाल साहब जो हैं वो दावा करते थे कि महिलाओं की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि है और उन्हीं के ही पार्टी की महिला को थप्पड़ मार दिया जाता है और उन्हीं की पार्टी के साथी ने उनको थप्पड़ मारा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? बड़ी अफसोस की बात है। स्वाति मालीवाल जो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती रही हैं, महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही हैं और मौजूदा राज्यसभा सांसद है जी, उनकी पिटाई करना और वो भी उनके जो निजी सचिव हैं वैभव जी, उनके द्वारा पिटाई करना बड़ा अशोभनीय है। और आज बड़ा दुख हुआ मुझे कि एक महिला की आप अपने ऑफिस में आके पिटाई करते हैं, उनको झापड़ मारते हैं, तो बड़ा दर्दनाक घटना है। मेरी सहानुभूति है बहन स्वाति मालीवाल जी के लिए कि इस तरह की घटना कभी भी नहीं होनी चाहिए किसी भी महिला के लिए। क्या ऐसा नहीं हो रहा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है वो कई भागों में बट रही है, कई भ्रष्टाचारों में आ रही है, कई सारे उनके जो अपराध हैं वो भी अब बाहर आ रहे हैं? एक्चुअली ये लोग छुपे हुए लोग थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पार्टी बनी, सारे नेता आज भ्रष्टाचार के ही आरोप में अंदर हैं। महिला सुरक्षा की बात की इन्होंने, महिला सुरक्षा जीरो है। दलित मुसलमानों की भागीदारी की बात की, 13 राज्यसभा सांसद दिए, 7 लोकसभा सांसद को प्रत्याशी बनाया, कहीं पे भी भागीदारी नहीं है, ना दलितों की ना मुसलमानों की। तो जो भी इन्होंने वादे किए सारे झूठ थे, पानी का बुलबुला था। कहते ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता समझ गई है। इस इलेक्शन में जवाब देने वाली है। ये बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे वोट का जेल का जवाब वोट से, अब जेल से भी बाहर आ गए। अपमान का जवाब वोट से, अब जो जनता कह रही है, जो अपमान हो रहा है, नारियों का अपमान हो रहा है, दलितों का अपमान हो रहा है, मुसलमानों का अपमान हो रहा है, तो उसका जवाब जनता वोट से देगी। जनता जो है वो तो आपकी DTC की जो बसें महिलाओं के लिए फ्री कर दी गई हैं, पानी फ्री कर दिया गया है, बिजली फ्री कर दिया गया है, तो वो तो उस पर भी वोट दे रही है, उसको अपमान या जॉब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर, जो आम आदमी पार्टी है या दिल्ली सरकार है, ये महिलाओं को मुफ्त सफ़र दे रही है DTTC में, ये कोई अपनी जेब से नहीं दे रही है जी। मुफ्त पानी अपनी जेब से नहीं दे रही है, मुफ्त बिजली अपनी जेब से नहीं दे रही है, जनता का पैसा है। जनता अगर एक माचिस की डब्बी भी खरीदती है उस पर टैक्स देती है जी। तो ये अपने पास से नहीं दे रहे हैं, जनता टैक्स देती है, टैक्स का पैसा हमें वापस करती है। ये हर सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए। सरकार बहुत सारी जिम्मेदारी नहीं निभाती, ये लोग भी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं जनता पे। अगर ये बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं का जो टिकट है वो फ्री कर रखा है। हमारी जो मेन मांगे हैं, महिलाओं की सुरक्षा, दलित मुस्लिमों की भागीदारी, युवाओं को रोज़गार,
शिक्षा, हायर शिक्षा के इंतज़ाम किया, एक भी यूनिवर्सिटी खोली, मुद्दों से भाग रहे हैं, बिजली पानी, अरे ये बिजली पानी जो दे रहे हैं ये हमारे पैसा हमें ही लौटा रहे हैं। अच्छा, जो स्वाति जी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है, ये उनको एक थप्पड़ मार दिया गया है ऑफिस में, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा या लेना चाहिए इन्हें? देखिए, ये दिल्ली पुलिस का मामला है और दिल्ली पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस को त्वरित जो भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई वो करनी चाहिए, हमारी मांग है, गृह मंत्रालय से मांग है, पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली से मांग है, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जब तमाम जो कानून को देखते हैं, जो कानूनविद हैं या जिनकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं की सुरक्षा में हम लोग देखेंगे, उन लोगों को संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भले वो अरविंद केजरीवाल के पी हैं, भले कोई भी है, चूँकि यह हक किसी को नहीं बनता कि किसी महिला का आप अपमान करें अपने ऑफिस में बुला के। अरविंद केजरीवाल जी के जो पीए हैं उनको निकाला जाएगा या स्वाति जो है वही इस पार्टी को छोड़ के कहीं और चली जाएंगी? अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो उन लोगों का डिसीजन होगा, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता जी। ये तो आप आम आदमी पार्टी से पूछिए कि क्या करेंगे, कैसे होना चाहिए, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। क्या कारण है कि उनको एक थप्पड़ ऑफिस में मार दिया गया, कुछ कारण कुछ आपको पता है कुछ? देखिए, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम है वो कुंठा का शिकार हो रही है जी। हताश है, उनको हताशा भरी हुई है, बुरी तरीके से हार रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, किसी कम्युनिटी के लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हताशा है वो नज़र आ रही है महिलाओं का अपमान करने में। आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली से और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे कि आपको वोट दें तो वो क्यों दें? महिलाओं के सम्मान के लिए मुझे वोट दें, अपने हक की आवाज़ अगर आप उठवाना चाहते हैं उसके लिए मुझे वोट दें। आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या मैं ऊपर तक उठाऊं, उसके लिए आप वोट दें। युवा हमारे भाई बहन जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उसके लिए वोट दें। जो महंगाई बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन उसके लिए आप वोट दें। सच के लिए आप वोट दें, बहुजन समाज के लोगों के लिए वोट दें। आज जो जुल्म हो रहे हैं दलितों पे और मुसलमानों पे उसके लिए वोट दें। एक बहुत साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट के लिए आप वोट दें, जैसा बहन मायावती ने शासन चलाया था उस तरह का देश में शासन हो उस पे आप वोट दें। सच्चे और ईमानदार लोगों को वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।